सो गई क्या? कहाँ बेटी, नींद नहीं आती है। कई दिन हो गए, कुछ सोच रही थी। बेटा अब सोचना क्या, सब कुछ खत्म हो गया। माँ तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो हम लोगों का क्या होगा? माँ अब तो हम लोगों के लिए माँ भी तुम ही हो और बाबूजी भी। ना बेटी, कहाँ तुम्हारे बाबूजी और कहाँ मैं। जितने तेजस्वी थे उतने ही कर्मठ, जो चाहते कर लेते थे। मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुमने क्या कम किया है जीवन में? अगर तुम ही परिवार को समेट कर नहीं रखती तो पापा इतनी तरक्की कर सकते थे। वे घर की ओर से निश्चिंत थे, तभी तो अपने काम में पूरा ध्यान दे सके। मैंने तो कई बार देखा है पापा को कमजोर होते हुए। उन क्षणों में तुम धरती की तरह अडिग रहकर सब कुछ को बिखरने से बचा लेती थी। मिन्नी, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तुम्हारे बाबूजी थे, लेकिन अब पूरी ताकत ही निचुड़ गई। बेटा कुछ नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं। प्लीज मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे अंदर प्यार का अक्षय स्रोत है, क्या मैं नहीं जानती? अभी तुम दुख में कुछ इस तरह दुख भी नहीं। बेटा कुछ नहीं, एक अबूझ सन्नाटा सा भरा है अंदर। फिर कभी उनकी आवाज सुनाई देती है, सरला सरला सरला। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मैं बाबूजी को देख भी नहीं सकी, कुछ सेवा नहीं कर सकी। मिन्नी, जब मैं ही नहीं सेवा कर सकी तो सुबह 4-5 बजे का समय होगा, एकाएक सीने में दर्द उठा, एक उल्टी हुई। मैंने प्रमोद को फोन किया, छाती सहलाती हुई बैठी रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। माँ माँ चुप हो जाओ, माँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। सभी ज्योतिषी कहते थे सुहागन मारूंगी मैं। कहां हुआ वैसा? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते। हम लोगों के लिए तो सोचो जरा। बेटा सब कुछ अर्थहीन सा लगता है, सब कुछ
लेना भी। माँ, दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता? चिंता तो नहीं करती, चिंता करने में भी प्रयास करना पड़ता है बेटा। अभी तो मेरे अंदर बहता जा रहा है कुछ चुपचाप, मेरा सब कुछ लेकर चला जा रहा है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। क्या सोच रहे हैं? छुट्टी खत्म हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने भी स्कूल में 15 दिनों की छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था, 2-3 दिनों में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि आलोक और अंकिता को चौधरी जी के साथ वापस भेज दिया, नहीं तो उन दोनों का स्कूल कितना मिस होता। सब कुछ अच्छी तरह निबट गया, प्रमोद ने बहुत मेहनत की। यहाँ रहते हैं इसलिए, आप यहाँ रहते तो सब कुछ आपके ऊपर पड़ता, फिर भी श्राद्ध कर्म तो आप ही। वो तो बड़े बेटे को करना ही पड़ता है, मैं कुछ दूसरी जिम्मेदारी की बात कर रहा था। दूसरी जिम्मेदारी? माँ का कुछ प्रबंध करके जाना होगा ना। प्रबंध? कैसा प्रबंध? उनका घर है यहाँ, मेहरी और गोपाल भी हैं ही, माँ जी को क्या दिक्कत होगी? तुम रह गई वही की वही, माँ इतने बड़े घर में अकेली रह सकेगी? उम्र हुई उनकी, रात में तो यहाँ कोई नहीं रहता, बिमला चली जाती है, बगीचे का काम खत्म करके गोपाल भी चल देता है, कभी कोई जरूरत हुई, बीमार हो गई तो प्रमोद जी कौन सा दूर रहते हैं, प्रतीक तो रात को आकर सो भी सकता है। हर दिन एक घर से दूसरे घर में रोज रोज की देखभाल संभव है? उनके लिए सबसे सही होगा प्रमोद के घर शिफ्ट कर जाएं। इस हाल में अकेली रहना भी ठीक नहीं, मधु कब तक अपनी गृहस्थी छोड़कर यहाँ बैठी रहेगी? मधु उन्हें अपने घर में भी नहीं रखेगी, दोनों में बनी कभी? अगर रिश्ता सही रहता तो प्रमोद जी घर क्यों छोड़ते, दिन रात की कितकित से तंग आकर। तब की बात और थी, अब तो माँ को देखना ही होगा चाहे जिस तरह हो। यानी कि? बिल्कुल सही सोच रही हो, हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। मुझसे ना हो सकेगा, स्कूल से शाम को थक कर आते हूँ, अपने दोनों बच्चों को देख लूँ यही बहुत है, फिर 2 ही बेडरूम है हमारे पास, अभी से आलोक और अंकिता को दिक्कत हो रही है। अगर प्रमोद यहाँ नहीं रहता तो माँ को साथ रखना पड़ता कि नहीं, या उसे उठाकर फेंक देते कहीं? परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ता है। लेकिन माँ जी को भी तो यहीं रहना अच्छा लगेगा, सालों से यहाँ है, जान पहचान वाले सभी यहीं हैं, अपनी एक सोसाइटी है, भजन मंडली है, किसी दूसरी जगह वे खुशी से नहीं रह सकेंगे। आप माँ जी से क्यों नहीं पूछ लेते? सविता, सविता, तुम्हें अक्ल कब आएगी? अभी उनसे पूछ लूं, तुम कहाँ रहोगी, कुछ सोचने विचारने की स्थिति है उनकी? हाँ, अभी तो प्रमोद जी के घर रह लें, फिर कुछ नहीं, जो व्यवस्था है अभी करनी होगी। ऊपर वाला किरायेदार भी चला गया, उसका ट्रांसफर हो गया, पूरे घर का क्या करें, ताला डालकर छोड़ दें, ताले की क्या अहमियत है आजकल। तो मैं कल प्रमोद से बात करता हूँ, कल कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। देखिए प्रमोद जी, जी आप हैं, आपके भैया हैं, और फिर मधु भी है। हाँ हाँ। जो कुछ निश्चय करना है कर लीजिए, मुझे पैकिंग करनी है, इतना सामान बिखरा पड़ा है। भाभी ये क्या कह रही हैं आप, आपके बिना बात बनेगी नहीं, हो जाएगी पैकिंग, आप बैठिए तो।
बात बनेगी या बिगड़ेगी मालूम नहीं। दीदी रहिए ना, अब भी मुझे क्या अनुभव है इन सब बातों का। अनुभव तो होते होते होगा, लेकिन मधु बहुत बार लगेगा कि ये अनुभव नहीं होता तो अच्छा था। अब मनोविज्ञान की बात छोड़ो और काम की बात करो। हम लोगों को वापस जाना है, प्रमोद भी काम काज छोड़कर ही बैठा है। हाँ भैया, कितने दिन हो गए, मैं तो ऑफिस ही नहीं गया। कितना काम भी तो था प्रमोद जी, आपकी व्यवस्था की सभी तारीफ कर रहे थे। गांव से जो लोग आए थे सभी दान प्रदान की भी प्रशंसा कर रहे थे। भाभी साहब, बाबूजी के आशीर्वाद से हुआ, जाने वाली आत्मा का भी पुण्य प्रताप रहता है। फिर बाबूजी के लिए इतना तो। बाबूजी तो स्नेह की मूर्ति थे, सबका ख्याल रखते थे, हृदय भी उतना ही सरल था उनका। लेकिन जब गए तो इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सके। लगता है सिर के ऊपर से एक साया चला गया, एकदम असुरक्षित महसूस होता है। ठीक कह रहे हो, मुझे तो एकाएक लगने लगा है कि उम्र 10 साल बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया है। जब हम लोगों को ऐसा लगता है तो माँ जी को कैसा लगता होगा। करीब 40 सालों का साथ था उनका, एकदम से टूट गई हैं, उनकी तरफ देखा नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा था कि उसका अकेली रहना हर तरह से गैर मुनासिब है, अभी उसे बच्चों का सहारा चाहिए। ये तो सही है, बारी बारी से दोनों बेटों के साथ रहें। उन्हें मेरे पास रहना अच्छा लगेगा, उन्हें तो मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं। अगर हमारी निभ सकती तो एक ही शहर में रहते हुए अलग अलग रहते। मधु, बहुत बर्दाश्त किया, जब नहीं रहा गया तो। मधु, इसमें नाराज होने की क्या बात है, जो सच है वो सच है। मेरे साथ ही देखिए, 2 ही तो बेडरूम है, फिर मेरी नौकरी है, मुश्किल तो होगी ही। भाभी, समझौता तो जिंदगी में करना ही पड़ता है, जरा नजरिया बदलने की बात है बस। देखिए, माँ के रहने से घर की देखभाल भी हो जाएगी और अंकिता के लिए एक सहारा भी हो जाएगा। बड़ी हो रही है वो, माँ के रहने से आप निश्चिंत रह सकेंगी। भाभी, इन औरतों को कौन समझाए, दूरदर्शिता तो इनमें होती ही नहीं, बस नाक के आगे तक नजर जाती है। लेकिन भैया, ढंग से समझाने पर मान भी जाती हैं। अब मधु को भी समझना चाहिए कि जब वो नई बहू थी तो उसका पहनना ओढ़ना तौर तरीका माँ को नापसंद था, ज्यादातर झगड़े तो इसीलिए होते थे। लेकिन अब बात दूसरी है, आश्रिता बहू नहीं सास है, और उनके ऊपर बाबूजी का हाथ नहीं है, माँ भी ये समझकर खुद को समेट कर चलेंगी। और मधु, कुछ तुम भी इग्नोर करना, जिंदगी तो भाई इसी तरह चलती है। और मकान का क्या होगा? मकान फिलहाल तो दोनों तल्ला किराए पर दे देंगे, पीछे बिल्डर से भी बात हो सकती है। माँ जी के जीते जी मकान तो मत तुड़वाइए, कितना प्यार है उन्हें अपने। मकान तुड़वाने की बात कौन कर रहा है, मकान के आगे पीछे जमीन है कि नहीं। भाभी, अभी की बात नहीं हो रही है, माँ की उम्र हो रही है और मकान भी तो पुराना होता जाएगा। फ्लैट सिस्टम कर दें तो हम दोनों को फायदा ही फायदा है। भाभी, और क्या, हर जगह यही हो रहा है, इतना बड़ा आहाता बगीचा, अब इसे संभालना भी मुश्किल है। सफाई ही करवाओ तो खासी रकम निकल जाती है। और क्या भैया? हाँ, किराए में से कुछ माँ को भी। पैसा तो कुछ घर में भी होगा, अब बाबूजी के सारे पेपर्स वगैरह देखने होंगे। और सुनो, पासबुक तुमने कुछ देखा है? अभी तो नहीं भैया, माँ कुछ व्यवस्थित हो जाए, फिर सामान भी है, फर्नीचर, कारपेट, फ्रिज। फिलहाल अपने घर शिफ्ट करवा लो, मैं आऊंगा कुछ दिनों बाद, कुछ फैसला करेंगे। ठीक है। हाँ, कार का क्या करें भैया? कार बेच ही डालो, पुरानी कार है, उसे मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो फिर यही तय रहा, फिलहाल माँ मेरे घर शिफ्ट कर जाए। हाँ,
तो माँ से हम लोग बात कर लें कल? बिल्कुल, इस हाल में उनका अकेली रहना एकदम ठीक नहीं होगा। माँ, कैसी मीठी खुशबू आ रही है, मैग्नोलिया है ना? हाँ, तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी, जाने कहाँ से लाकर लगाए थे इसका पौधा। अब तो घना घनेरा पेड़ हो गया, 10-15 साल तो हो ही गए होंगे। और क्या, आस पड़ोस के लोग गुच्छा गुच्छा मांग कर ले जाते हैं। कितना प्यार था उन्हें अपने गार्डन। माली कितने भी हों, खुद लगे रहते थे हमेशा। उन्हें एक एक पौधे की खबर रहती थी। गुलाब में कीड़े लग रहे हैं, चमेली की बेल गिर गई, कौन सा पपीता पकने वाला है, सब कुछ उन्हें मालूम हो जाता था। अपने घर से भी कम प्यार था उन्हें। कितनी बार कहा आने के लिए, हर बार घर की बात आड़े आ जाती थी। ताला लगा कर कैसे आए, कभी पेंटिंग चल रही है, कभी रिपेयर हो रहा है। उम्र भर की कमाई लगाकर अपना घर बनाया था, बड़े शौक से नक्शा तक खुद बनाया था। धूप हो बरसात हो खड़े रहते थे, मुझे भी सब कुछ समझाते। और तुम कुछ कम हो, 2 दिन बाहर रहना पड़े तो होम सिकनेस हो जाती है, किचन के डब्बे शब्बे पुकारने लगते हैं। अपना घर है ही ऐसी चीज बेटा, वो कहते हैं ना, इंसान भूखे पेट सो सकता है, बस सिर पर अपनी छत हो। माँ, घर बना भी कितना प्यारा, आसपास इतने बड़े बड़े मकान बन गए, लेकिन मुझे अपने घर का डिजाइन सबसे अच्छा लगता है। खुला खुला, हवादार, धूप तो खेलती है घर में। उनके दोस्त शर्मा जी भी यही कहते थे, भाभी जी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगता है, शांति बसती है यहाँ। अच्छा, घर तुम्हारे नाम है ना माँ? है मेरे नाम, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी के नाम है, लोन वगैरह लेने में सहूलियत हुई उससे। बाबूजी ने कोई विल तो नहीं बनवाया था? विल? मुझे तो मालूम नहीं। और बेटा है ही क्या वसीयत करने को, ये मकान है, आगे पीछे थोड़ी जमीन है, दोनों भाई बांट लेंगे। बस मैं मर जाऊं। ओ माँ, क्या बोल जाती हो। अच्छा, बिमला अगर रात को यहाँ सोती? बोलूंगी, उससे कहो ना परिवार के साथ यहाँ रहे, पीछे कोयले लकड़ी वाली कोठरी है ना, साफ करवा दो, ना हो तो एस्बेस्टस डालकर एक कमरा और बनवा दो। देखो क्या होता है, प्रमोद भैया कह रहे थे उनके यहां शिफ्ट। मैं नहीं जाती कहीं, अभी साल भर उनकी छाया पड़ेगी, कमरे में दिया चलेगा, यहां शांति से पूजा पाठ। अरे मेरे बगीचे से अगल बगल के लोग पूजा के फूल तोड़ कर ले जाते हैं। वैसे भी ये तुम्हारा घर है माँ,
तुम क्यों जाओ कहीं? हम लोग आते जाते रहेंगे। प्रतीक और प्रकाश तो रोज ही आ सकते हैं। इस घर के कोने कोने में उनकी याद बसी हुई है मिन्नी। एक एक पेड़ पौधे में उनके हाथ की छाप है। मैं कैसे छोड़ सकती हूं इन सबको? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने घर के सिवा मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी बेटा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। प्रमोद भैया। हाँ? मेरा टिकट हो गया? हाँ हो गया, कल का मिला है। आज तुम माँ का सामान वगैरह ठीक कर देते? माँ का सामान क्यों? माँ यहाँ अकेली रहेगी कैसे? इस हालत में रोती ही रहेगी, इसलिए हम लोगों ने सोचा है फिलहाल प्रमोद के यहाँ अगर। माँ से पूछ लिया है? बस जा ही रहे हैं। आओ आओ बैठो सभी एक साथ। हाँ माँ, हम लोग कुछ कहने आए हैं। हाँ हाँ कहो। माँ, मेरे घर में तुम आ जाती, यहाँ तुम्हें मुश्किल हो जाएगी माँ, और हम लोगों को भी चिंता बनी रहेगी। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ। प्रमोद भैया, आप क्यों नहीं यहाँ आ जाते? मैं? ऊपर अपने मकान को किराया पर डाल दें, आप भी अपने घर में रहेंगे और माँ को भी सहूलियत हो जाएगी। ओह हाँ, उस हाल में बड़े भैया को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर दोनों मंजिल किराए पे रहे तो। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? ये इस घर का मामला है, तुम आज हो कल नहीं। तो क्या मैं माँ के लिए कुछ? ये किसने कहा? सिर्फ सोचो, घर के मोह में माँ यहाँ रह तो जाएंगी, लेकिन रोज रोज के झंझट कौन उठाएगा? हाट बाजार है, गैस लाना, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी मेहरी नहीं आई। तुम सोचती हो मैं रोज रोज ये सब कर सकूंगा? फुर्सत है मुझे। भैया वो सब हो जाएगा, कुछ ज्यादा पैसा देने से गोपाल ही कर देगा। गोपाल ही कर देगा, बात नियत की है। और तुम्हें हमारी नियत पर शक है? विनोद। माँ तुम मुझे कह रही हो, ये सबसे छोटी होकर बोलती जा रही है और तुम सुन रही हो? नियत की बात का खुलासा ही हो जाए। बड़ी भाभी आप कहिए, माँ को साथ रखने में आपकी खुशी है? छोटी भाभी आपने साथ रखने की बात अपने मन से कही है या प्रमोद भैया के कहने से? बस हो गया तुम्हारा पॉलिटिक्स शुरू, हमेशा से ये आदत रही है तुम्हारी। इनकी इन्हीं आदतों से हम लोगों को घर छोड़ना पड़ा, हमेशा माँ के कान भरती रहती थी। विनोद, प्रमोद, बस करो, बस करो। ब्याही बहन है तुम्हारी, कल को अपने घर चली जाएगी, ये सिर्फ मेरे लिए। माँ, माँ मिन्नी तो अभी बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो संसार का अनुभव है, बोलो अकेली स्त्री के लिए कहीं रहना निरापद है? इसलिए तो मैं कह रही थी आप यहाँ आ जाइए, सबके लिए अच्छा होगा। किसके लिए अच्छा रहेगा मुझे खूब पता है, ये घर रहे, बगीचा रहे, जिससे तुम बार बार पिकनिक मनाने आ सको। भैया। मिन्नी बेटा चुप हो जाओ, मेरा जो होगा सो होगा, सारी संपत्ति तो इन्हीं दोनों की है,
जो मन करने दो, मेरा क्या, जितने दिन हूं। क्यों, तुम्हारा कुछ क्यों नहीं है? ये तुम्हारे पति का मकान है, खून पसीना एक करके इसे बनाया होगा, सालों देखभाल की है, सजाया संवारा है, इस पर तुम्हारा हक क्यों नहीं है? इसमें बड़े भैया या प्रमोद भैया का पैसा तो नहीं लगा है? देखता हूँ खूब समझदार हो गई हो, कानून का कुछ ज्ञान भी होगा। कोई विल नहीं रहने से किस तरह, क्या मालूम बाबूजी के पेपर्स वगैरह कहाँ हैं? कहीं, क्या मतलब, मैं सब लेकर जा रही हूँ, देख लीजिए मेरा सामान, कल को कहेंगे माँ की गहने भी मैं ले गई। क्या क्या इसीलिए मैं आई थी? बाबूजी के श्राद्ध में आने का भी मेरा हक नहीं है। ओहो, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिनी मिनी चुप हो जाइए प्लीज। मिनी खत्म करो बात को, जो ये लोग कहेंगे वही होगा। जिस दिन औरत होकर पैदा हुई उसी दिन समझ लिया एक औरत का हक कुछ नहीं होता, उसकी इच्छा अनिच्छा नहीं होती, उसका मन नहीं होता, उसकी आत्मा नहीं होती। क्यों माँ, क्यों नहीं है उसका कुछ भी? जब तक बाबूजी थे ये घर तुम्हारा था, तो अब क्यों नहीं है? तुम बाबूजी की अर्धांगिनी थी, सहधर्मिणी थी, तुमने दिन रात उनकी सेवा की, उनका साथ दिया, तो उनका घर तुम्हारा क्यों नहीं है? अगर पति का घर औरत का नहीं है तो कहाँ है उसका घर, तो कहाँ है उसका घर, कहाँ?